मेरे लिए तो फैमिली ही फैमिली है, बट आई ऑलवेज फेल्ट आई ओवर टू माई फैमिली कि मैं अपना नाम खुद बनाऊ. तो मैं बाहर जब निकला था कुछ करने के लिए, मैं 11th फेल हूँ. रेडियो सिटी 91.1, क्योंकि रग रग में मुंबई सिटी हम कहते हैं, गली गली से हम आते हैं. तो द मैन सिटिंग ऑन माय राइट वेयरिंग ग्रीन राइट नाउ लुकिंग लाइक हल्क एक्चुअली, ही इज इंडियाज मोस्ट वांटेड फॉर श्योर. लेकिन एक जमाने में चेंबूर के एक छोटे से मैत्री पार्क में ही वाज द मोस्ट वांटेड चाइल्ड, एंड आई कीप रिमाइंडिंग दिस टू हिम बिकॉज ही वाज सो क्यूट. और आज तो मैंने सनिल को इसकी फोटो भी दिखाई है बचपन की. यू वर वेरी क्यूट एज अ बेबी यार. अच्छा अभी क्या हो गया? एक्चुअली आस्क नहीं तू अलग नाउ यू लुक अब तो आगे दिखता यू आर एडोरेबल एज अ बेबी. हाँ मतलब you're the only one who takes me back to my roots literally with Chembur all the time. मेरी Chembur की fan following Radio City पे आने से ही बढ़ सकती है. No but honestly ये film ऐसे लग रहा है जैसे कि वो आपकी जैसे I always वो cute that... बच्चा मर्द बन गया ना basically. ये film ऐसी लग रही है. नहीं but actually तुमने ये क्यूट बच्चे को अपनी पहली फिल्म में ही हटा दिया. हाँ यू नो एंड इट्स एन अमेजिंग ईयर फॉर यू. इसी साल में इशक ज़ादे के 7 साल पूरे हुए हैं. यू नो सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू लिटरली गोइंग बैक टू हाउ थिंग्स स्टार्टेड फॉर अर्जुन कपूर. दिस इज अ वेरी वेरी बिग ईयर ऑल्सो फॉर यू. हिट्स सक्सेसेस डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस जो पसंद कर रही है. बट लेट मी टेक यू बैक. द 7 ईयर जर्नी हैज बीन फ्रॉड विद अ लॉट ऑफ डेंजरस रिस्क दैट यू टेकन एज एन एक्टर. Thank you for saying that because you know a lot of people look at commercial films as not a risk, and the ones that I've done that are slightly away from commercial, like Aurangzeb, which I love doing, yeah, Finding Fanny, which I loved. I thought Kiyan Ka was a risky idea that ended up doing well commercially. उसके बाद कितने आपको मैरिज प्रपोजल्स आए? बहुत आए. और ज्यादा क्या हुआ, जो शादीशुदा मर्द थे उन्होंने आके बोला तूने क्यों बनाई. उनको अच्छी लगी, उनकी बीवी को बहुत ज्यादा अच्छी लगी. सो या द रिस्क्स have been there. I think every actor मेरी पहली फिल्म ही अपने आप में रिस्क थी. दैट वाज गिवन टू मी यू नो वेयर आई प्लेड ऑन फ्रॉम हु यू आर एज अ पर्सन. क्योंकि आप बहुत अलग हो. यू डोंट रियली कन्फाइन टू द नॉर्म्स सो से यू नो. मैं चॉकलेट बॉय तो था नहीं कभी, ना क्लीन शेवन टाइप था, ना अपने आर्म्स फैला के लेदर जैकेट और बाइक पे आके लड़की को वू करने वाला था. दैट आई न्यू फ्रॉम डे वन. नहीं तो व्हेन इट स्टार्टेड आउट आई हैड नथिंग टू लूज. सो देन यू नो इवन व्हेन आई डिड अ धर्मा फिल्म इट वाज टू स्टेट्स वेयर आई वेयरिंग ग्लासेस एंड आई एम प्लेइंग द सॉर्ट ऑफ नर्ड गीक हु गोज आउट ऑफ हिज वे बाय नॉट बीइंग अ हीरो बट डूइंग हीरोइक थिंग्स. So in a way, I've always considered myself an underdog. I know it sounds silly now to say it after 7 years of surviving, but there's tremendous belief in that. I believe I'm an underdog, and my films for me have always mattered more than just the arc that I have of heroism in it. Although I've done a Gunde and Tevar, but I still crave that underdog feeling, and that is why I think India's Most Wanted appeal to me, because these guys don't really look like heroes, but what they've done is heroic. So in those 7 years, I think I've tried to rely on films that I feel will pop. Sometimes feel ये industry जालिम दुनिया थोड़ी कई बार. They have not given you enough. So names you've taken, two states blockbuster हुई थी. Nobody expected to hit 100. गुंडे ने 100 बनाया. Finding Fanny. One of my favorite albums by the way. Yeah, and Finding even Finding Fanny was all your films that didn't do say so well also 40-50 बना दिया. But people didn't give you the kind of credit जो कई बार एक box office commercials hero को देते. Why is that? I guess I didn't do enough PR. Sometimes you need to अपना डिंडोरा खुद पीटना पड़ता है. I just thought let's do good work. And also, has it gone against you feel? I don't think so. See, everybody has their own journey. If my journey matches say Varun's, then it won't be fun. We'll all be generic, right? The point is everybody has their moments of rising, they have their moments of stability, they have their moments where they go through a weaker patch. We all have those. मैंने कभी बहुत प्यार मिला है. हाँ तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है. You know, and I see your online digital following, the kind of love you people are pouring out for you. It's insane. But जब सही टाइम होगा ना, then everything kind of just merges into one, and that one burst happens, I guess, that you need. Yeah. So आप जितना भी try and ask for credit, it's better that you get it when you deserve it. So maybe my time will come where I'll be able to use all these films to my advantage. I think. See, a film like India's Most Wanted might add to that. Yeah, because your credibility as an actor, हम लोग यही बात कर रहे थे जब ट्रेलर के लॉन्च पर भी बहुत सारे जो मीडिया थे वो वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज हुए ट्रेलर. उन्होंने बहुत अच्छा लगा और जेन्युइन रिएक्शन आया था लोगों का. उन्होंने कहा कि अब माउंटिंग अर्जुन कपूर के ऊपर की जा सकती है. यू नो इवन फॉर अ फिल्म दैट इज नॉट से कमर्शियली दैट काइंड ऑफ सेटिंग. तो दिस इज अ गुड मूव. सेकेंडली यू हैव नाउ ऑल्सो जो पहले आप सिर्फ वरुण का मजाक उड़ाते रहते थे है ना मार्केटिंग बॉय, अब यू ऑल्सो हैव बिकम दैट. तो ये दोनों की मैरिज हो गई है इसमें. हाँ पहले शुरुआत में क्या था, आई ऑल्सो टुक टाइम टू ओपन अप टू अंडरस्टैंड. आई वोंट से इंट्रोवर्ट, मैं थोड़ा अपने में रहने वाला बंदा हूँ. देन आई रियलाइज की नहीं थोड़ा खुला होना पड़ेगा, थोड़ी छूट लेके आनी पड़ेगी इन द वे यू बिहेव एंड द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ, बिकॉज इट्स अ पीपल्स मीडियम. सी इफ आई एम मीटिंग यू एंड आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, नो दैट्स माइन. सो आई हैव टू चेंज दैट. आई कांट कम ग्रंपी एंड ग्रॉगी एंड से
मैं बहुत एहसान कर रहा हूँ तुम्हारे साथ इंटरव्यू करके, ऐसा नहीं है. आई हैव टू प्रिपेयर एंड बी अवेयर दैट आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट माई फिल्म, स्पीक अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग्स. तो आपको माइंड सेट बनाना पड़ता है. आई गॉट लकी, माई फिल्म डिड वेल. तो ऑन द जॉब मैं सीखा, शायद मैं पहले जब इंटरव्यू करता था आई यूज टू नॉट बी सो फन, मे बी आई वॉज अ लिटिल लो. इंप्रेशन ऐसा होता था कि सड़ू है. हाँ, क्योंकि मैं स्माइल नहीं करता था, मैं चार्ज करके नहीं आता था. तो अब थोड़ा सा मुझमें भी बदला. सी आई फील मोर लाइक अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग ना, उससे फर्क पड़ता है. आई हैव मेट यू मे बी 10 टाइम्स इन द लास्ट 3-4 इयर्स. आई मेट यू विद एवरी फिल्म रिलीज. आई हैव कम हियर एंड स्पोकन अबाउट चेंबूर टू यू एटलीस्ट 10 टाइम्स. तो अब एक अपनापन है. Correct. मैं उसमें थोड़ा ज्यादा खुलता हूँ. जो फिल्में हैं वो तो यार आई थिंक मीडिया ऑडियंस दे गो फिल्म टू फिल्म. तो अगर उनको ट्रेलर अच्छा लगा तो वो डायरेक्टर ने जो माउंटिंग दी है उसकी वजह से. दैट सेम डायरेक्टर इफ यू हैड नॉट माउंटेड इट द वे द ऑडियंस इज लाइकिंग इट, तो रिएक्शन शायद वैसा नहीं आता. तो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू राज सर मोर देन मी. सो राजी परमानु, डिड वॉचिंग दीज मूवीज मेक योर बिलीफ इन अ मूवी लाइक दिस मोर, मतलब क्या उससे ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस? एक्चुअली ना मैं एस्पियोनेज फिल्म ढूंढ रहा था, लेकिन बिकॉज द एनवायरमेंट इज चेंजिंग सो मच, नॉट द पॉलिटिकल वन बट द ऑडियंस इज चेंजिंग सो मच, I somewhere didn't want to do an OTT espionage film, you know, where you're suddenly sitting against somebody and interrogating and say, "Bata terrorist ka, warna tera sar phod dunga, dhaad, you hit the person." Because that's not the way life is anymore. Correct. And I think people don't enjoy that as much as they enjoy the world, the grit, the storytelling, the reality of it. So jab ye aayi mere paas, I was looking for something that was a bit more grounded. Hmm. And like you said, a little more riskier, because this is a songless, it has background music, but there's no heroine. It's a story of 48 hours. There is nothing conventional about it. I'm not playing a hero per se. We are 5 borderline losers in the trailer almost. You know, ki ye kaha dhoond ke layenge. Correct. Which makes it a human story. So, I think Razi is a human story. आप हिंदी में बात करो, मैं चाहती हूँ कि वो रिक्शा वाला भी जाके पिक्चर देगा. नहीं, वो तो क्यों देगा? आप चाहते हो हिंदी में, तो मैं पूरा इंटरव्यू हिंदी में करता हूँ. मैंने जब परमानु या राजी देखी तो वो इसीलिए कनेक्ट होती है क्योंकि ये आम लोगों के कहानी, साधारण स्टोरीज है, सिंप्लिसिटी है, एक इनोसेंस है फिल्म में. तो कहीं ना कहीं दैट अपील टू मी इन इंडियाज मोस्ट वांटेड आल्सो. तो मैं कूद पड़ा. और यार डायरेक्टर बहुत अच्छा है. एक्चुअली उसकी मुझे बहुत बात करनी है. इस आदमी की वजह से मतलब इमोशनल हो गए थे वो ट्रेलर लॉन्च पर आल्सो. यू नो आई थिंक अपनी स्टोरी सुन के ना ही, वो भी इतने आउटवर्ड पर्सन नहीं जी, बिल्कुल जिस तरह वो स्क्रिप्ट सोचते हैं, लिखते हैं, स्टोरी बनाते हैं. उनके भी 5 साल के बीच की स्ट्रगल थी जहां यू हैड टू वेट बिफोर रेड हैपेंड. एक्चुअली रेड ने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी. मैं अभी हाल ही में काम करके आया सौरभ जी से. हाँ. और उन्होंने सबसे अच्छी बात ये उस पिक्चर की ये थी कि वहां जितने बड़े अजय देवगन थे उससे कहीं ज्यादा माउंटिंग उन्होंने सौरभ शुक्ला को दी थी. और यहाँ पे भी इस फिल्म में ऐसी है. और अर्चना के लिए ट्रेलर लॉन्च पर कुछ एक आध साउथ के भी एक्टर थे और उन्होंने बोला कि हमें पता है ट्रेलर लॉन्च तो दूर की बात है, हमें तो बस बताया जाता है कि कल तुम्हारी पिक्चर रिलीज हो रही है. ही सेड दिस, ही सेड यहां पे तो मुझसे पूछा गया कि आप कल आ सकते हैं, यहां पे स्टाइलिश पूछ रहे कपड़े हैं कि नहीं, सीन पहले दिया जा रहा है. तो दिस इज एन अमेजिंग माहौल जो क्रिएट किया. और आई थिंक अर्जुन कपूर के लिए तालियां देनी चाहिए अलॉन्ग विद राजकुमार कि यू आर क्रिएटेड एन एनवायरमेंट. और ये बहुत अच्छी, एक आर्टिस्ट को किसी और आर्टिस्ट के बारे में बोलना एक बड़े प्लेटफॉर्म पर. I was also very touched with that moment, यार, उस समय. Because the director brings a team together, you know, तो जब जिस तरह का इंसान होता है, जो लीडर होता है, वही से टीम के एक एथिक्स बनते हैं या एक तरीका होता है काम करने का जो फैलता है. तो ही इज अ टीम प्लेयर है राज सर. अगर आप मिलो उनसे, सच अ पोलाइट मैन, एकदम शांत है. और ऐसे फिल्म डायरेक्टर बिल्कुल नहीं लगते. हाँ वही आप वो 480 लगते हैं. बट द बेस्ट पार्ट इज व्हेन ही इज ऑन सेट आल्सो ना, ही डजंट लूज हिज कूल. एकदम शांत है, एकदम क्लियर है किस तरह का उन्हें शॉट चाहिए, किस तरह का सीन है, किस तरह का एक माहौल बनाना है. एंड दैट ऑलवेज इज हेल्पफुल बिकॉज वो टीम को एक साथ लेके चलता है. बिकॉज ही इज बीन एन एडी हिमसेल्फ. करेक्ट. उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ ब्लैक फ्राइडे में शुरुआत की थी. और जब उनके साथ वो सिमिलर टाइप, वेरी रियल काइंड ऑफ फिल्म. करेक्ट. और आई थिंक वो फिल्म की शुरुआत हमारी इंडियन सिनेमा में रियल फिल्मों की शुरुआत ब्लैक फ्राइडे टाइप से. करेक्ट. एंड ही मेड आमिर, विच वॉज हिज फर्स्ट फिल्म. जो करोड़ दो करोड़ रुपए का बजट उस समय में जब बनाई गई थी राजीव खंडेलवाल के साथ, इट वॉज सच एन अमेजिंग, आई थिंक अहेड ऑफ इट्स टाइम्स. आज देखे तो अभी भी रेलिवेंट है फिल्म. फिर नो वन किल्स जैसे का, जब आज हम असली कहानियां ढूंढ रहे हैं, ये आदमी ने उस समय रिसर्च की, एक साल बिताया सारा टू बी एबल टू डू जस्टिस. और एकदम रिस्पेक्ट के साथ एक कहानी बोलना, एक होता है ना एक टुडे समबडी हुज बीन किल्ड, कहानी सुनाना विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड नॉट सेंसेशनलाइजिंग इट. आज के जमाने में सेंसेशनलाइज करना इज मोर फन. थोड़ा डिंडोरा पीटा ज्यादा पड़ जाता है. वो एकदम नुआंस्ड फिल्म थी विद्या बालन और रानी मुखर्जी के साथ. बट ही वांटेड टू वर्क विद यू आल्सो एंड यू आल्सो वांटेड टू वर्क विद हिम. हो नहीं रहा था ये क्यों?
बिकॉज रेवोल्यूशन तो 2019 में ही आना था। अर्जुन, क्योंकि आपने बोला बहुत रियल है, बहुत ज्यादा रियल इसका टोन है, व्हाट वर द ग्राउंड रियलिटीज जो आपने डिस्कवर की वाइल शूटिंग? आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा हमारे शूटिंग से पहले। एक्चुअली राज सर ने जिस तरह स्क्रिप्ट लिखी थी, तो मैंने कहा यार मैं कुछ अफसरों से मिलना चाहूंगा, वरना आई कांट डू दिस फिल्म, आई वोंट बी एबल टू, बिकॉज एक माइंडसेट होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, का मतलब आईबी का मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि इंटेलिजेंस यानी कि दिमाग का इस्तेमाल करना। सो इट्स नॉट द फिजिकलिटी, इट इज द मेंटल अस्टूटनेस, एक मानसिक संतुलन होना चाहिए टू बी टू हैंडल बी टैक्टफुल। जो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, उनका एक तरीका होता है बात करने का, व्यवहार करने का। तो जब मिला अफसरों से, आप यकीन नहीं मानोगे, अगर वो अफसर आपके सामने रस्ते पे मिलेगा, आप उसे पहचान नहीं पाओगे। उनकी वो खासियत है, दे आर वो कॉमन मैन की तरह, 9 to 5 जॉब करने वाले बंदों की तरह। और जिस तरह बात करते, उन्होंने मुझे समझाया कि जब हम किसी इन्फॉर्मर से मिलते हैं, किसी सोर्स से मिलते हैं, तो हम उन्हें डराते नहीं है, क्योंकि क्या है ना, फिर वो डर जाएंगे, इन्फॉर्मेशन गलत देंगे, नहीं कुछ आपको। और फिर क्या है, वो देखना चाहते हैं कि आप अगर फ्रेंडली नहीं है तो वो डरेंगे, तो हमको जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगा। उससे बेहतर है यू प्ले अलॉन्ग विद देम, यू प्ले विद देम, यू आर नाइस टू देम, देयर इज अ सर्टेन वे। बॉडी लैंग्वेज से अग्रेसिव नहीं लगना, एकदम शांत लगना। इनफैक्ट यू शुड रिक्वेस्ट एंड टू बी, तो मतलब ये तो बॉडी बिल्डिंग करते ही नहीं होंगे ने, तो वो नहीं, बॉडी बिल्डिंग छोड़ो, दे हैव अ सर्टेन एबिलिटी टू ब्लेंड। उसके साथ साथ उनको पता है कि तौर तरीके हर इंसान के साथ कमीलियन की तरह होना पड़ता है। अगर मैं सलील से बात कर रहा हूँ तो मैं बदलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो इस तरह का इंसान है। आपके साथ बैठूंगा तो मैं थोड़ा सा और बदलूंगा। उसी तरह इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देव टू बिल्ड ट्रस्ट, क्योंकि एक बार नहीं 10 बार इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन लोगों को ढूंढना पड़ता है। तो आई रियलाइज इट्स अ लॉट टू डू विद नॉट बीइंग फिजिकल। जितना स्थिर रहते हैं ये, जब बात भी करते हैं ना, उनकी आंखें नहीं हिलती, वो नर्वस नहीं लगते, सीधा बैठ के सीधे तरीके से शांत, ऐसे नहीं कि सर टेढ़ा करके या बॉडी लैंग्वेज बदल के या हीरोइज्म दिखा के, बहुत नॉर्मल रहते हैं। तभी कास्टिंग भी फिल्म की, आई थिंक 5 नॉर्मल लोगों को तुम्हारे साथ चूज किया गया। मैंने जब साइन की थी तो मैंने कहा सर विल यू टेक नोन फेसेस, इसे यार क्या होगा ना, मैं नोन फेसेस को लूंगा तो हमको सबको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और ऊपर से क्या होगा, फिर तुम सब नोन लगोगे तो हीरोज ही लगोगे कि तुम जा रहे हो एक टेररिस्ट को पकड़ने। मुझे लगता है इस फिल्म को तभी दर्जा मिलेगा जब हम नए लोगों को लेंगे। तो ही वॉज क्लियर सिंस देन, ऐसा नहीं है कि यू नो बीच में ये बात चली, ही वॉज क्लियर व्हेन ही साइन मी, तेरे आसपास सब नए लोग, ताकि तू नया लगे। बट तुम्हें डर नहीं लगा उस समय? कई बार क्या, गाना नहीं है, सुनो गाना नहीं है, वैसी पब्लिसिटी होगी नहीं इस पिक्चर की, क्योंकि अलग किस्म की पिक्चर है, हीरोइज्म नहीं है फॉर अ हीरो, और साथ में ना हीरोइन है यार साथ, तो ये थोड़ा अभी बोल रहे हो तो डर लग रहा है बहुत ज्यादा। बट यार ब्रो ये बहुत ज्यादा रिस्की है क्या? हाँ ठीक है, स्टोरी अच्छी होगी, बट अगर वैसा मूवमेंट नहीं हुआ तो अक्षय कुमार तब ने 26 में बहुत सारे लोगों की मदद ली। पता नहीं पिछली वाली में हीरोइन थी, 6-8 गाने थे, सब कुछ था, तो बात नहीं बनी। तो इस बार मुझे लगता है अगर बनना होगा तो बन जाएगी। यार बट यू सीन द फिल्म? I've seen the film, so I'm politely, if I can say this, I'm confident, and I respect Raj sir for making the film that he promised ki wo banayenge. Ek real, genuine, emotional kahani banayenge. Dekhi, humne film mein na un afsaron ko darja dene ki koshish ki hai jo hamare country ke liye jaan dene ke liye tayyar rehte hain. Genuinely, wo roz kaam karte hain bina kisi jhijak ke. Unke pagar se paise nikal ke missions pe jaate hain. जो हमने फिल्म में दर्शाया है कि वो सोच, वो वेट नहीं करते कि दिल्ली से ऑर्डर आएगा, कई बार उनको चीजें इंपल्सिवली स्पॉन्टेनियसली करनी पड़ती है। हमने वो ये फिल्म नहीं बनाई है इस विलेन को दर्जा देने का, इसीलिए हमने उसका नाम हटा के रखा है, इसीलिए हमने शक्ल नहीं दिखाई है, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये एक कहानी हो उन लोगों की जो वर्दी के बिना भी इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए यूनिफॉर्म में हम कई बार ट्रिब्यूट दे चुके हैं और देते रहेंगे, बिकॉज दे आर अमेजिंग, बट देर आर सो मेनी ड्रेस्ड इन रेगुलर गेटअप्स ऑल्सो, इन रेगुलर क्लोथ्स ऑल्सो, जो छुप छुप के अंडर कवर रह के काम कर रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। और हम तभी याद करते हैं जब दिन बुरे होते हैं कि यार इन लोगों ने हमको बचाया नहीं, बट सोचिए कितने अच्छे दिन है हमारी जिंदगी में, बिकॉज ये रोज काम कर रहे हैं। सो दिस इज अ फिल्म अबाउट दोज पीपल। Do you have an artificial intelligence in your dimag? Because you're Cancerians, I feel your sixth sense is strong. तो आप जब बॉलीवुड को देखते हो, सबसे ज्यादा चीट आदमी जो चीट करके खाते रहते हैं बिकॉज everyone's on like this diet. अच्छा चीट फूड? अच्छा मैं तो चीट आदमी, अभी पता नहीं, लेकिन प्रियंका का क्या था ना, वो
ब्लेस्ड है मेटाबॉलिज्म के साथ, चिप्स खाती थी मैंने देखा है, खाती है कुछ भी खाती है अनुष्का, अब दुनिया को बुरा फील कराती है सबके सामने खाती है। नहीं, और फिर 15 दिन में मैरी कॉम की शूटिंग करी थी और गुंडे के साथ में करी थी, तो बीच में जो मन में आता था खाती थी। मैंने बोला यार क्या बात है, मैरी कॉम करने वाली इसको बिल्कुल डर नहीं है। फिर मैरी कॉम में देखो तो जबरदस्त लगती है अनुष्का ऑल्सो। और तुम्हारा भी आजकल लेट नाइट शूट हम लोग बहुत देख रहे हैं वो करना बिकॉज आधा आधा चेहरा तुम्हारा नहीं, आधा आधा चेहरा दिखाई देता, आधी बॉडी दिखाई देती है। टकला हूँ तो मैं अपना मुंडन तो नहीं दिखा सकता लोगों को, तो मुझे छुप छुप के चीजें दिखानी पड़ रही है। बट इट्स बीन आई गेस आई एम फाइंडिंग माय रिदम अगेन ऑफ बीइंग बैक इन द जिम, एंजॉयिंग माय सेल्फ, शूटिंग फॉर पानीपत एंड सबसे ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड। वेट वेट विद विद अनिल कपूर, देयर इज नोबडी मोर सेल्फ ऑब्सेस्ड देन अनिल कपूर। व्हाट अ प्लेयर, क्या लग रहा हूं, माइंड ब्लोइंग, आई एम द बेस्ट, बाकी रेस्ट कैन गो। सबसे ज्यादा जासूस भी रहते हैं फाइव, रणबीर कपूर, रणबीर सब करीना कपूर और रणबीर वो सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोस। सुनो लेकिन वो चलो मैं दूसरी तरफ की कहानी बताता हूँ, यू आर मिस्टर नो इट ऑल अबाउट बॉलीवुड ऑल्सो, ऐसा मुझे बताया जाता है, एक्सक्यूज मी, उसको सब पता होता है। हाँ, वो भी तो सुनने में आता है कि आप सेंटर पॉइंट हो। नहीं नहीं, मैं उतना ही जानता हूँ जितना करीना मुझे बताती है बेसिकली। सो बट डिड यू स्निफ इनटू एनीथिंग जो बाद में आके सबको पता चला, लाइक आई न्यू इट। नहीं ऐसे यार, अभी इंडस्ट्री बहुत छोटी जगह है, तो आपको नॉर्मली जैसे कौन कौन सी फिल्म कर रहा है या क्या स्पेकुलेशन है, व्हाट यू रीड इन द पेपर्स, वी आल्सो आर मोस्टली अवेयर ऑफ इट, मे बी बिफोर इट कम्स आउट टू द कॉमन मैन्स नॉलेज, दैट्स अबाउट इट। देयर इज नो, इवेंचुअली खबर छुपती नहीं है आज के जमाने में, इट इज द टाइमिंग। आपको शायद 3 दिन बाद पता लगेगी, मुझे जिस दिन हो रही है उसी दिन खबर पता लगे। सबसे बड़ा डिजिटल स्टार जो अपने मतलब शॉर्ट्स के बीच में, आई थिंक जैकलीन को बीट करना मुश्किल नामुमकिन है, क्योंकि वो जब जागती है तो ये मैं उसको बुलाता हूँ खुद खुशी खुद से खुश। तुम्हारी एंट्री लेट हुई थी वैसे। हाँ, मैंने पहले 2 साल अवॉइड किया था एंड देन प्रेशराइज होके। आर यू लविंग इट, आर यू लविंग इट? यार मेरा क्या, एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था, आई थॉट आई कैन बी दिस पर्सन, आई कैन बी अवे, मुझे पसंद है थोड़ा अवे रहना, बट फॉर सम स्ट्रेंज रीजन आई गॉट फोर्स्ड इनटू इट बाय माय फैंस, बाय माय फ्रेंड्स, फैमिली। अब अच्छा लगता है, पहले थोड़ा डरता था। आपने तो अर्जुन रॉय कपूर का ऐसा स्वागत किया कि आजा बेटे मैं भी इसके आजा। नहीं बट आई रियली एंजॉय कनेक्टिंग विद फैंस, आई एंजॉय बीइंग कनेक्टेड विद देम फॉर द राइट रीजंस। मुझे लगता है कि शायद जो पेरिस में एक लड़की रहती है, अगर वो मेरी फैन है, मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा उसे मिलने का, तो आई कैन टॉक टू हर थ्रू दिस। बट डिजिटल थोड़ा कंज्यूमिंग हो गया यार, क्या है ना, अभी हर रोज सोचना पड़ता है उसके बारे में। जैसे मैं प्रमोशन कर रहा हूँ तो समझ में आता है, जब नई प्रमोशन करो तब भी लोग चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ डालते रहो, वो थोड़ा टैक्सिंग है, थोड़ा डिमांडिंग है। आई थिंक जब कुछ नहीं है बोलने को तो यू शुड हैव द एबिलिटी टू वॉक अवे। और हम अभी वैलिडेशन पूछा जाता हूं मैं स्टार्स के साथ वैलिडेशन। अभी क्या है कि ऑल ऑफ यूर हैव मिलियंस में फॉलोअर्स, लेकिन क्या ये कभी डिस्कशन होती है कभी भी उससे तुम्हारे साथ? ओपनिंग और फिल्म में फर्क नहीं पड़ता इतना एक्चुअली, ये बात हम कर चुके हैं। नहीं नहीं, बट आई स्टिल वांट टू आस्क यू, कई बार फर्क पड़ता है एक दूसरे को कि यार मैं तो इतनी सारी फोटो डालता हूँ और सारे लोग बाहर, मैं खड़े हो जाऊं तो ज्यादा लोग मेरे फैन रहते हैं, लेकिन इनकी यार डिजिटल में ज्यादा इनकी फॉलोइंग। नहीं, बिकॉज सी डिजिटल कंटेंट की ट्रैकिंग अलग तरीके से होती है। वहां पे क्या, आप जितने कनेक्टेड रहो, आप जितना कंटेंट डालो, आप जितना इंटरैक्ट करो, एंड यू विल ऑलवेज नोटिस, एंड दैट इज जस्ट द वे इट इज। वुमेन टेंड टू बी मोर इंटरैक्टिव ऑन सोशल मीडिया बिकॉज इट इज अ मीडियम थ्रू विच दे आर सेफ इनफ टू कम्युनिकेट विद फैंस एंड स्टिल बी इन अ सेफ एनवायरमेंट। तो इस वजह से यू ऑलवेज सी आवर गर्ल्स ऑलवेज गेट अ लॉट ऑफ लव, व्हिच इज अमेजिंग। आई फील इट्स मेड इट सच अ सेफ एनवायरनमेंट कि यू कैन कनेक्ट विद अ फैन विदाउट हैविंग टू बी वरीड फॉर अ सेकंड वेदर द इंटेंट इज राइट और रॉन्ग। लड़कों का ये होता है कि यार हमें क्यों फॉलो करेगा नहीं सी, बट लाइक वरुण ने सर इज एन एग्जांपल, वो खुली सांड की तरह सोशल मीडिया पे बात करते हैं, वो खुला सांड, वो तो दूसरे के भी वीडियो बनाता है। हाँ, वो खुला सांड है, जैसे उसको मजा आता है। तो आपकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी इंट्रोवर्टेड है इन कंपैरिजन टू सम ऑफ माय कोलीग्स, बट यार मजा तो आता है। कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ बुरे दिन। अब पिक्चर नहीं चलेगी तो अच्छा नहीं लगता जाना, बट दैट्स नॉर्मल, यू हैव टू टेक द ब्रेक बैच विद द बुक इज ऑल्सो। टुडे इज वर्ल्ड फैमिली डे, आप अपनी फैमिली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दे आर माय बिफोर शी एड्स दैट यू आर द कंज्यूमेट फैमिली बॉय। जब नो आई टेल यू व्हाई, जब श्रीदेवी जी के साथ जो हुआ था, द वे यू केम टुगेदर फॉर द होल फैमिली, लोगों ने बहुत, यू नो, आई समटाइम्स टेंड टू रीड बिटवीन द लाइंस, क्योंकि मैं इतना ज्यादा लोगों से मिल जाता हूँ बीच में। वेरी प्राउड ऑफ यू व्हाट यू डिड फॉर योर सिस्टर्स, थैंक यू। एंड आई थिंक नाउ यू नो यू रियलाइज्ड एंड ऑल द अप्स एंड डाउन्स यू हैड इन योर ओन लाइफ आल्सो, उसकी वजह से आई थिंक इट हैज बिकम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट, और तुम वो कवच बन गए, सुरक्षा कवच बन गए सबके लिए। आई होप पीपल सी इट लाइक दैट। यार मैं तभी तो आई वाज जस्ट रिस्पोंडिंग टू व्हाट आई फेल्ट वाज राइट, मुझे जो सही लगा मैंने किया।
And yeah, in return, I've ended up getting a new dimension to my family. My family already pehle se bahut badi thi. अब उसमें दो लोग ऐसे जुड़ गए जिनके साथ मेरा कनेक्ट बना है वो अभी भी बन रहा है वह जानवी एंड खुशी आर कंसर्न एंड आई थिंक आई डिड इट फॉर माय फादर टू बिगिन विद और धीरे धीरे मैं समझ पाया हूँ कि यार जानवी खुशी बहुत अच्छी लड़की है मैं कभी उनसे उस तरह मिल नहीं पाया था बातचीत नहीं हुई थी तो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ब्रॉट अस टुगेदर बींग अ फैमिली पर्सन आई थिंक वो बहुत नेचुरल चीज है फॉर मी बिकॉज वी ग्रोन अप आई ग्रो अप इन अ जॉइंट फैमिली मैंने कभी ऐसे देखा नहीं यार फैमिली के लिए कुछ करना है मेरे लिए तो फैमिली है बट आई ऑलवेज फेल्ट आई ओवर टू माई फैमिली कि मैं अपना नाम खुद बनाऊ तो मैं बाहर जब निकला था कुछ करने के लिए मैं 11th फेल हूं मुझे लगा यार मैं एक्टर बनूंगा तो अपने बलबूते पे बनना चाहता हूँ बिकॉज आई फील माई फादर शुड फील प्राउड माई फैमिली शुड फील प्राउड कि ये अपने आप कुछ करके आया है और मेरे लिए हमेशा वो जरूरी था आज जब लोग मुझे मेरी फैमिली के साथ जोड़ते हैं और इमोशनल रीजन के लिए तो अच्छा लगता है बिकॉज मेरी एक खुद की एक पर्सनैलिटी है जो उभर के भी आई है लोगों के सामने और साथ में वो मानते हैं कि चलो ये फैमिली का हिस्सा भी है सो आई एम नॉट अवे फ्रॉम माई फैमिली आई एम विद देम लेकिन मेरा अपना वजूद है अपनी एक आइडेंटिटी भी है वेर आई रिप्रेजेंट व्हाट आई बिलीव इन एंड व्हाट आई स्टैंड फॉर सो आई एम हैप्पी इन अ वे दैट पीपल सी मी एज अ फैमिली मैन बट दे सी मी एज एन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी ऑल्सो द बेस्ट लर्निंग दैट कपूर खानदान हैज गिवन यू इज लिव लाइफ किंग साइज हाँ हम यार हम जेन्युइनली आई थिंक फॉर माई फादर फ्रॉम द वे माई अंकल्स आर कुछ राजा होते हैं और कुछ महाराजा होते हैं मेरी फैमिली आई थिंक महाराजाओं की फैमिली क्या लाइव है यार लव इट हम लोग प्रजा में ही रह जाते हैं यहाँ तो महाराजा पहुंच गए एंड दैट स्माइल थैंक यू सो मच आई होप यू गोना बी स्माइलिंग आफ्टर द रिलीज ऑफ द मूवी आई होप सो अरे भाई पहले दिखा रहे हैं मुंबई आपको बता दें इन्होंने बोल दिया कि हम आपको पहले ही दिखाना चाहते हैं और ये नहीं कि जो थर्सडे को सबको पहले दिखाना चाहते हैं सबको पहले तो ऑब्वियसली ही इज कंप्लीटली कॉन्फिडेंट पिक्चर बहुत अच्छी होगी And trailer देखने के बाद I don't think there's anybody who has even shat pratishat a doubt about this movie. Congratulations, advance. Thank you.